हमारी जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी है। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ द सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ। एज यू ऑल नो दैट दिस टाइम वी आर अनेबल टू गिव द ऑफलाइन क्लासेस ड्यू टू द कोविड-19 प्रॉब्लम, राइट। सो अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं, जिसमें हम हर एक चैप्टर को कम्प्लीटली डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम फोकस करेंगे अपने प्रैक्टिस सेशन पर, ठीक है। तो पूरे क्रैश कोर्स को हमने 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 1 में क्या है, सबसे पहले हम कैलकुलस सेक्शन को देखेंगे, ठीक। देन वी विल गो फॉर द अलजेब्रा, देन कोऑर्डिनेट एंड जो है लास्ट जो सेक्शन रहेगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो इस सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस सेक्शन का चैप्टर लिमिट, ठीक है। लिमिट से ऑलमोस्ट आपके एनडीए के एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन एंड एयरफोर्स के एंड नेवी के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन होते ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बाय मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स एंड ऑप्शन हमारे पास है 0, 1 एंड 2 और यहाँ पर इन्फिनिटी। तो जब कभी भी मॉड आता है ना, तो मॉड केस हमको क्या करना होता है, हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले वहां पर हम LHL और RHL फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब भी आपको मॉड मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर मतलब पहले कैलकुलेट करेंगे LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो गिवन लिमिट जैसे यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 1 गिवन है, ठीक है, तो 1 से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड पहुंच जाएंगे और 1 से लेस कर देंगे तो 1 से प्लस करेंगे तो राइट हैंड पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस करेंगे एक बार, ठीक है, और एक बार 1 माइनस करके लेंगे, ठीक है। तो जब 1 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर लिमिट को चेंज करना पड़ेगा 1 प्लस में, ठीक है, कि यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, और जिसको x को हम रिप्लेस कर देते हैं, x को 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस करने हैं हमको यहां पर, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो यहां पर हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस निकाला, तो 1 माइनस निकालने पर क्या हुआ, 1 माइनस किया, ठीक है, तो 1 माइनस x की जगह 1 माइनस h पुट किया हुआ, यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो गया और जब हमने लिमिट अप्लाई की तो वैल्यू क्या मिल गई है, इन्फिनिटी मिल गई है, ठीक है। फिर हमने RHL कैलकुलेट करके देखा तो 1 प्लस किया हमने यहाँ पर और 1 माइनस मॉड ऑफ x था, तो यहाँ पर लिमिट चेंज कर दी तो लिमिट कितनी हो गई एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है, x को हमने 1 प्लस h से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर और ये कितना हो गया फिर से इन्फिनिटी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 बाई h लिमिट लगाई तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। LHL और RHL दोनों ही बराबर है तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, लिमिट की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 1 मॉड ऑफ x अपॉन में x, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड मॉड ऑफ x अपॉन में x, तो यहां पर फिर से मॉड आ गया तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के राइट हैंड साइड और 1 के लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हम LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका हमारे पास, यहां पर हमने सबसे पहले 0 माइनस किया हुआ है, ये माइनस थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, आप 0 माइनस ऐसे समझे, ठीक है। तो यहां से 0 माइनस किया हमने, तो जब 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, और यहाँ पर इसको 0 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, तो मॉड के अंदर जब 0 माइनस एच जाएगा और अपॉन में 0 माइनस एच होगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ मॉड एच, तो वो तो प्लस एच हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एच, एच से एच कैंसिल होगा, वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1, वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 आ गई। सिमिलरली जब हम RHL में जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो मॉड के अंदर 0 प्लस h आ गया यहाँ पर और यहाँ पर 0 प्लस h होगा, दोनों पॉजिटिव है तो वैल्यू कट करके कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। दोनों फाइनाइट क्वांटिटी तो है बट यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ इसका वो कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, फिर से थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है मॉड का आई है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन में मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 1 माइनस 1 0 एंड डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है। अच्छा इसकी जो प्रैक्टिस सीट है, लिमिट चैप्टर की जो प्रैक्टिस सीट है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीडीएफ का लिंक गिवन होगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर से हम यहाँ पर एलएचएल और आरएचएल निकालेंगे। तो जीरो है तो जीरो प्लस और जीरो माइनस, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच अपॉन में एच स्क्वायर, कितना हो गया जीरो माइनस एच अपॉन में, यहाँ पर चूंकि जो गिवन लिमिट थी हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या था देखो, देख लेते हैं यहाँ पर, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें, मॉड ऑफ एक्स, ओ जस्ट वन सेकेंड, क्वेश्चन फिर से एक बार ले लेते हैं, x अपॉन है मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए x अपॉन में मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, और लिमिट यहां पर कितनी थी, x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो एक बार जीरो प्लस लिया और एक बार जीरो माइनस लेंगे। ठीक है, तो जब जीरो प्लस लेंगे यहां पर तो हमें क्या मिलेगी, आरएचएल मिलेगी, और जीरो माइनस के लिए क्या मिलेगा, एलएचएल मिलेगा। जब हम इसको लिमिट चेंज करेंगे तो यहां पर क्या हो गया देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, और जीरो माइनस एच, एक्स की जगह पर कितना आ गया जीरो माइनस एच, यहां पर आ गया जीरो माइनस एच, तो प्लस एच हो जाएगा, और यहां पर फिर से जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया एच प्लस एच स्क्वायर। ऊपर से क्या हुआ, हमने नीचे से h कॉमन किया और कैंसिल कर दिया, तो ऊपर माइनस वन बचेगा, नीचे वन अपॉन वन प्लस एच, लिमिट लगाई तो माइनस वन अपॉन कितना हो गया वन प्लस एच की जगह पर यहां पर हमने जीरो पुट किया है, तो कितना आ गया माइनस वन। अब सिमिलरली आरएचएल निकाल लेते, तो जीरो प्लस एफ एक्स, तो एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एक्स की जगह पर जीरो प्लस एच हमने पुट किया, यहां पर जीरो प्लस एच और यहां पर भी जीरो प्लस एच। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल किया हमने तो वन आ गया। एलएचएल और आरएचएल दोनों फिर से बराबर नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, ये एक डज नॉट एग्जिस्ट का केस बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारे पास देखो, अब इस क्वेश्चन को आप फाइव सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की नीड यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन टू एक्स अपॉन एक्स, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको पहले से ही पता है कि यहां पर हमारे पास क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा वाला। ठीक है, बट यहां पर थीटा की जगह पर कितना है, यहां पर 2x लिखा हुआ है और यहां पर कितना लिखा हुआ है x, तो बना लेते हैं। तो हमने यहां 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें 2 से उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो उस 2 को हमने बाहर कर लिया है ना, और इस वाली वैल्यू को स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखने ऐसा कुछ तो नहीं था, बाकी वो हमने 2 लिया था, वो 2 यहां पर आ गया और अंदर की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन टू एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स अपॉन में साइन फाइव एक्स माइनस साइन ऑफ थ्री एक्स। ठीक है, साइन टू एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स अपॉन में साइन फाइव एक्स माइनस साइन ऑफ थ्री एक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने इस सीरीज में टोटल 25 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके बाद 20 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो अब पहले इसमें क्या है कि मैं सारे 25 क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा, 3 to 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इसमें हम स्किप करेंगे, वो आपके एज अ होमवर्क सेशन के लिए होंगे। ठीक है, आप उनको 4 to 5 क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पर अपना अपना आंसर टाइप करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में। ठीक है, और इन सारे जो 4 to 5 क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन टू एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स अपॉन में साइन फाइव एक्स माइनस साइन ऑफ 3x। ऑप्शन है हमारे पास 1/2, 1/4, 2 and 4। जैसे हमें टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्लस और माइनस में दिखते हैं तो वहां पर हमेशा हम क्या कहते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और बाद में लिमिट लगा लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट पता है पहले से ही तो यहां पर आप ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट लगा के सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पर साइन 2x अपॉन में फिर 2x से मल्टीप्लाई और डिवीजन करना पड़ेगा, सो वो थोड़ा क्या काफी लेंदी प्रोसेस है ना, उसमें टाइम टेकिंग भी है। तो हम चलिए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ओके, नाउ
तो ये हमारे पास जो हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कितना हो गया, साइन फोर एक्स इंटू कॉस टू एक्स अपॉन में टू साइन एक्स इंटू कॉस टू एक्स, ठीक है। ये कितना हो गया, टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस टू एक्स अपॉन में टू से टू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, अब देखो यहाँ पर ओके सबसे पहले हमने साइन फोर एक्स को लिया, ठीक है, और साइन फोर एक्स को लेने के बाद में जस्ट वन सेकेंड, साइन फोर एक्स को हमने यहां पर लिया, ठीक है। तो साइन फोर एक्स के साथ में हमने फोर एक्स से डिवीजन भी करा दिया, जितना आर्ग्यूमेंट था उसी से डिवीजन कराया। अब अगर हम एक्स से डिवीजन कराया तो फोर से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, और जो एक्स से मल्टीप्लाई करा उसको हमने यहां पर रखा, ठीक है। और इस एक्स के साथ में नीचे वाला हमने साइन एक्स ले लिया, ठीक है, नीचे वाला साइन एक्स को ले लिया। अब क्या बच रहा है, इधर कॉस टू एक्स बच रहा है, इधर हमारे पास कॉस फोर एक्स बच रहा है। कॉस टू एक्स अपॉन फोर एक्स को हमने एज इट इज रखा, क्यों, क्योंकि कॉस जीरो और यहाँ पर ऊपर भी जीरो हो जाएगा नीचे भी जीरो, वो तो वन हो जाएगा हमारे पास। कॉस से कोई इशू ही नहीं है, प्रॉब्लम थी हमारे पास साइन से, क्योंकि साइन ही इनडिटर्मिनेंसी शो कर रहा था, जीरो बाय जीरो बना रहा था, राइट। तो यहां से हमने ये वाली वैल्यू तो सीधे वन हो गई, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी वन हो गई, ये वाली वैल्यू भी वन हो गई, और ये हमारा फोर मल्टीप्लाई में था ऑलरेडी, तो फोर इंटू थ्री टाइम वन, सो आंसर विल बी फोर, आंसर विल बी फोर। क्लियर था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। वैसे तो मैंने इसको अपनी फेसबुक पोस्ट में भी सेम यही क्वेश्चन दे रखा है आज, ठीक है। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी, ठीक है, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको वैल्यूज का ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट नहीं है, सिंपल सा ब्रैकेट है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने दिया था, यहाँ पर फेसबुक में डाला था मैंने, इंस्टा पे भी डाला हुआ था, स्टोरी पे भी मैंने लगाया हुआ था, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है वो वहां पर जाके थोड़ा सा पढ़ ले, है ना। चलो, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू यहां पर ओपन करनी पड़ेगी, वन बाई सिक्स एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, वन बाई सिक्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, ठीक है। और उसके बाद में हम कुछ बनाएंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन आती है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं, हाँ जी। चलिए, तो यहां पर हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, वन बाई सिक्स, सिक्स नीचे ले आए, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, नीचे एन क्यूब ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, एन क्यूब ऑलरेडी गिवन था। आगे क्या हो गया, सिग्मा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमने क्या किया है, चूंकि जब भी इन्फिनिटी का केस होता है और ऊपर एक पॉलीनोमियल जैसा कुछ दिखे, फैक्टर दिखे या फिर कोई एक पॉलीनोमियल इक्वेशन दिखे, तो हमें सबसे इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और वो कॉमन करने के बाद में हम उसमें जो है उसको हम ब्रेक कर लेंगे वन बाई एन के फॉर्म में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई नहीं करा रहे, अदरवाइज चाहे तो हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर एक एन से नीचे एन कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एन स्क्वायर बचेगा, और एन स्क्वायर से हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एन स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद में कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन करके आएगा, ठीक है, और हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, वन बाई थ्री, कितना हो गया, वन बाई थ्री, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि सिग्मा ऑफ एन बाई एन स्क्वायर एंड इनफिनिटी, ये डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स हैं, ये इतना होता है, यहां पर वन बाई थ्री होता है और ये वन बाई फोर होता है। एन बाई एन स्क्वायर आपके पास वन बाई टू होगा, ऊपर एन स्क्वायर गया नीचे एन क्यूब आया, मतलब नीचे वाली पावर एक हमेशा बड़ी, ठीक है, वन बाई थ्री हो जाएगा, और ऊपर थ्री है और नीचे फोर है तो वन बाई फोर है। ध्यान देने वाली बात है कि जो जितनी पावर नीचे है, ठीक है, ये एज ए ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, जितनी पावर नीचे है उतनी ही पावर यहाँ पर, उतना ही नंबर हमारे पास वन बाई में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को जो है आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूं, जिससे आपके आपको नोट करने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। ये आपके पास जो है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी सिग्मा ऑफ एन बाई एन स्क्वायर इज वन बाई टू, एन स्क्वायर बाई एन क्यूब इज वन बाई थ्री, एंड एन क्यूब अपॉन में एन बाई फोर, एन टू द पावर फोर इज वन बाई फोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स,
ठीक है, अगर लिमिट सॉल्व करनी है तो मोस्टली ऑलमोस्ट क्या बहुत सारे केसेस में हमेशा कॉस के साथ में वन या तो प्लस में या माइनस में कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को रिमूव करेंगे, देन हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए सोल्यूशन, नहीं अगर नहीं भी रिमूव करते तो भी इसका एक ऑप्शन है कि आप एयर हॉस्पिटल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आराम से बाकी इसको देखिए। तो यहां पर क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में इसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, टू टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स से हमने यहां पर किया और एक्स से ऊपर नीचे कुल मिला के मल्टीप्लाई कराया है। ऐसा क्यों, कि हमारे पास कुछ ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स टाइप का कुछ फॉर्मेट बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू लॉग ए, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, टू टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स को हमने यहां पर लिया और इसको लेने के साथ में इस वाली पूरी इस जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, ये वाला, इसकी वैल्यू हमारे पास सीधे सीधे लॉग टू हो गई। देखो नीचे, ये हमारे पास लॉग टू हो गया। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारे पास रेस्ट पार्ट बचा था, तो हमने चूंकि एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ऊपर नीचे, तो ऊपर एक्स स्क्वायर बन गया है और नीचे वन माइनस कॉस एक्स बन गया। अब सिंपल, सबसे पहले हम कॉस एक्स से वन को हटाएंगे, तो हमने साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। ठीक है, वन से वन कैंसिल हो गया, टू को हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टू हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, एक्स बाई साइन एक्स बाई टू। अब ऊपर क्या करेंगे, जब हम इस देखो यहां पर इस लिमिट को देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जो है यहां से इस टू को और इस पावर को हटा दें, ठीक है, यहां पर ये एक्स है और इसकी होल पावर ऐसे कर लें, कोई प्रॉब्लम, लिमिट ऑलरेडी लगी हुई है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है, अब यहां पर एक्स बाई टू बनाने के हमने टू से इसको डिवाइड कराया, तो टू से मल्टीप्लाई भी कराएंगे, इस टू को हमने बाहर कर लिया, सिंपल है ना। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, वन हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, लॉग टू इंटू टू या टू लॉग टू। अब ये पावर हम ऊपर लेके जा सकते हैं, एन इंटू लॉग एम, तो एम की पावर एन हो जाता है, तो ये कितना आ गया, लॉग फोर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे जल्दी टाइम इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, फिर से मॉड का क्वेश्चन आ गया। मॉड के क्वेश्चन मैंने थोड़ा जानबूझ के ज्यादा लिए, एज यूजल जैसे मैं क्लासेस में करता हूँ, तो थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर या सिग्नम या मॉड या फिर कुछ ये जो स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन होते हैं, स्पेशल टाइप के फंक्शन में क्वेश्चन करने में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने फिर से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लिए जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए बच्चे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस टू कर चुके हैं आप लोग, तो इसको आप आराम से अपने मन से करेंगे। ठीक है, अब ये आपके एज ए होमवर्क है। नेक्स्ट, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स अपॉन में प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और लिमिट कितनी, इन्फिनिटी। मैंने कहा था जब कि पॉलिनोमियल हो और लिमिट इन्फिनिटी हो, तो एक प्रोसेस तो ये है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर कॉमन करेंगे, पावर कॉमन करने के बाद में उसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहां पर क्या देख सकते हैं कि यहां पर एक हमारे पास की ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है कि अगर आपके पास नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन लिखा हो, ठीक है, अंश बटे हर में कुछ चीज लिखी हो और लिमिट इन्फिनिटी हो, लिमिट कितनी हो, लिमिट आपके पास इन्फिनिटी हो, ठीक है, और अगर ऊपर की पावर नीचे की पावर से ज्यादा है, मतलब n ग्रेटर देन d, मतलब नॉमिनेटर अंश की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से बराबर बड़ी है, तो आंसर जो आएगा हमेशा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ध्यान से, अगर नॉमिनेटर की पावर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर नॉमिनेटर की पावर बराबर हो जाए डिनोमिनेटर से, तो ऊपर की हाईएस्ट पावर देखो, नीचे की हाईएस्ट पावर देखो, और दोनों के हाईएस्ट पावर के जो कोफिशियंट है उनको रेशियो में लिख लो। ठीक है, तो जैसे ऊपर का टू है, नीचे का वन है, तो ये आंसर इसका कितना होना चाहिए, टू बाई वन, टू बाई वन। सो आंसर कितना हो गया, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, राइट। चलो ध्यान रखेंगे ना इस बात को, इन्फिनिटी जीरो एंड उनका कोफिशियंट का रेशियो। So, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन था कॉमन करके इन्होंने दिखाया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन, क्या क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, लिमिट इन्फिनिटी है पहली चीज, दूसरी एक पॉलीनोमियल टाइप की ही है, वो रेडिकल साइन वाला का पॉइंट है।
पावर सिंपल सा है, पावर कॉमन करेंगे। अच्छा रूट के अंदर से जब एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे आप तो बाहर क्या निकलेगा, एक्स, उधर एक्स लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो पूरे एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, इससे पूरे से एक्स, देखो इससे पहले एक्स स्क्वायर बाहर करो तो बाहर तो एक्स ही आएगा ना, और फिर पूरे से एक्स बाहर कर लो, ठीक है। तो इस पूरे होल एक्सप्रेशन से एक्स ही बाहर आने वाला है ना। लेकिन पूरे से एक्स बाहर लाने के लिए हमें इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और ये हो गया, और लिमिट अप्लाई कर दो तो ये वन इधर, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई सीधे सीधे, नहीं इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, इसको रेशनलाइज करके ही फिर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है जो है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलो हाँ रेशनलाइज किया हुआ है, तो ऊपर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ठीक है। और रेशनलाइज करने के बाद में फिर हम यहाँ पर क्या चीज करेंगे, वही सेम प्रोसेस, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन का वन बाई एक्स बनेगा, ठीक है। वन बाई एक्स जो होता है वो आपका वन बाई इन्फिनिटी, दैट इज जीरो, समझ आ गया, ठीक है। चूंकि ऊपर बेटा जब भी अब अगर हम सीधे कॉमन करते हैं तो फिर भी लिमिट लगा तो इन्फिनिटी ही बनता है, तो इसलिए हमने इसको पहले रेशनलाइज किया है, फिर वही सेम प्रोसेस फॉलो किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाउ अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव देन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई ए प्लस बी एक्स टू द पावर सी प्लस डी एक्स, ठीक है। बहुत ही वैसे तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये मैं चाहूंगा कि आप पहले इसको अपने मन से ट्राई करें, ठीक है, एज अ होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, राइट। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर ओ इसका तो सोल्यूशन ही मैंने दिखा दिया है, बाकी आप चीटिंग ना करें, अपने मन से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए फिर मैं करा देता हूं उसको ना, अब देख लिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। चलो क्वेश्चन था मेरे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई ए प्लस बी एक्स टू द पावर सी प्लस डी एक्स, तो ये हो गया एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, वन प्लस वन बाई वन ए प्लस बी एक्स हो गया। और हमने ऊपर क्या किया है, चूंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हो कि 1 प्लस 1 बाई एफ एक्स टू द पावर 1 बाई एफ एक्स 1 बाई जी एक्स करके, तो उसमें हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर a प्लस बी एक्स था तो हमने a प्लस बी एक्स से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी, हाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर ये a प्लस बी एक्स हो गया, इस वाले को हमने यहां पर कर लिया, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो गया, सीधे सीधे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो वन प्लस वन बाई, देखो वन प्लस वन प्लस वन बाई एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या है, इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, ठीक है। तो यहां पर सीधे सीधे कितना हो गया, ई टू द पावर डी बाई बी, ई टू द पावर डी बाई बी, बिकॉज ये वाली वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां पर हम कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन करेंगे ऊपर नीचे से, ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो जब एक्स कॉमन गए तो यहाँ डी सेपरेट बच जाएगा, यहाँ पर बी सेपरेट बच जाएगा, यहाँ पर सी बाई एक्स, यहाँ पर ए बाई एक्स, लिमिट लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये वाला टर्म आपके पास डी बाई बी बन जाएगा, ठीक है। तो ई टू द पावर डी बाई बी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसकी लिखी हुई है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई ए प्लस बी एक्स टू द पावर ए प्लस बी एक्स इक्वल टू ई, मतलब वन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, जितना नीचे उतना ही ऊपर अगर है तो उसकी वैल्यू सीधे ई की पावर वन या ई होती है, क्लियर जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, और मैं इसका सोल्यूशन बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी, है ना, तो आप भी ना करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये जस्ट अभी जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, इसको करके लाएंगे, ठीक है। ये हम कर चुके हैं अभी, दोनों की पावर बराबर है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 2/3, है ना, ऊपर नीचे की पावर बराबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। देखो एफ एक्स इक्वल लिखा हुआ साइन एक्स और जीरो, साइन एक्स कब लेंगे जब एक्स एन पाई के बराबर ना हो, और जीरो कब लेंगे जब एक्स एन पाई के बराबर हो, अदरवाइज जैसे भी, ठीक है। एंड जी एक्स इक्वल एक फंक्शन गिवन है, पूछ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जी ऑफ एफ एक्स, तो ये वैसे गॉफ ऑफ एक्स है ना, आप जी ऑपरेशन एक्स एफ एक्स और एफ ऑपरेशन जी एक्स करते हैं, सेम ऐसे यहां पर भी है जी ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर सबसे पहले हमें जी ऑफ एफ एक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स को कैलकुलेट करने के सबसे पहले देखो हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स टेंडिंग टू जीरो है,
ठीक है, तो पहले जी ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि पहले एफ एक्स देख लो कि एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स कितना है, ठीक है, और फिर उसी एफ एक्स को जी एक्स में उसी सेम वैल्यू पर पुट कर देना, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत बार आप कर चुके हैं। चलिए तो यहां पर देखो ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन था ना, कितना था, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, चूंकि अच्छा और एक बात और कि यहां पर एक्स टेंडिंग टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, तो आप ये ना सोचे कि वहां पर जीरो के बराबर वाला फंक्शन वहां पर कैलकुलेट करेंगे, टेंडिंग जीरो मतलब जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स गैप है एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमने ऊपर से साइन एक्स ले लिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है, और साइन जीरो जीरो होता है, तो हमने सीधे सीधे लिमिट अप्लाई कर दी, कितना आ गया साइन जीरो हमारे पास जीरो हो गया, जीरो प्लस वन दैट इज जीरो। समझ आ गए, कोई प्रॉब्लम, जूम करके दिखा देता हूं, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स माइनस ई बाई एक्स, ठीक है, वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स माइनस ई और होल बाई कितना हो गया एक्स हो गया, ठीक है, इक्वल। तो क्या करना चाहिए होमवर्क के लिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप लोग, देखते हैं। इसका सोल्यूशन नहीं है बेटा, ये रिपीट हुआ यहां पर, हा 17 नंबर, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू एक्स टेन एक्स माइनस पाई बाई टू इंटू सेक एक्स बराबर कितना, ठीक है, चार ऑप्शन है, वन माइनस वन जीरो है, नन ऑफ दीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए सोल्यूशन इसका। चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू एक्स टेन एक्स माइनस पाई बाई टू इंटू सेक एक्स, ठीक है, हमने इसको क्या किया है, ये हो गया हमारे पास टू एक्स माइनस पाई बाय टू इंटू कॉस एक्स, कैसे एलसीएम लिया है और साइन कॉस में इसको हमने ब्रेक किया है, ठीक है। इसके बाद में हमने जब इसमें लिमिट अप्लाई करके देखा तो जीरो बाय जीरो का केस बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, ठीक है, तो इसमें भी एल हॉस्पिटल ही लगाया गया है, ठीक है, और इसका आंसर हमने निकाल लिया कितना माइनस वन, ठीक है। चलो ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, है ना, एफ एक्स की पावर जी एक्स कुछ वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, थ्री एक्स माइनस फोर बाय थ्री एक्स प्लस टू की होल पावर एक्स प्लस वन बाई थ्री, देखिए इसका सोल्यूशन। चलिए तो कितना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन में थ्री एक्स प्लस टू की पावर एक्स प्लस वन बाई थ्री, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी थ्री एक्स प्लस टू माइनस सिक्स, ये कैसे, क्यों, क्योंकि हमें जितना नीचे था उतना हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम उसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, क्लियर है। तो हमने क्या किया थ्री एक्स प्लस टू माइनस ऑफ सिक्स किया होल बाय थ्री एक्स प्लस टू, अलग अलग डिवाइड किया हमने, तो ये वाली वैल्यू जो हो गई हमारे पास, ये वाली वैल्यू सीधे सीधे वन हो गई, ठीक है, ऐसे करेंगे ना ये वाला पार्ट सेगमेंट, तो ये वन हो गया और इधर माइनस सिक्स बाई वन वन अपॉन में थ्री एक्स प्लस टू हो गया, ठीक है। अब याद करो वन माइनस ये वन बाई एफ एक्स, तो ऊपर कुछ वैसा बनाना पड़ेगा, है ना, जितना नीचे लिखा है उतना ही ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमने बनाने की कोशिश की है, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये ऐसे ही है, चूंकि नीचे थ्री एक्स प्लस टू था तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो यहां भी हमने डिवाइड कराना पड़ेगा, माइनस सिक्स नीचे किया है तो ऊपर भी माइनस सिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, और ये एक्स प्लस वन इस चीज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर सीधे सीधे वैल्यू कितनी होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर में आ जाएगी वैल्यू, और हमने यहां पर लिमिट अप्लाई कर दी तो वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि एक्स कॉमन करेंगे वो वन बाई एक्स बनेगा, इधर टू बाई एक्स बनेगा, वो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री बच जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है जी, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेबनेट रूल से फॉलो सॉल्व हो गए, ठीक है, न्यूटन लेबनेट रूल लगता है यहां पर, तो एक बार ट्राई करिए, ठीक है, कि इसमें कैसे कैसे, यहां पर एक चीज देखने वाली है कि जो इंटीग्रेशन है वो जीरो टू एक्स किया है और कॉस टी स्क्वायर है और डी टी है, ठीक है, तो इस चीज को कैसे आप जो है सेग्रीगेट करते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि एक्चुअली होता क्या है, न्यूटन लेबनेट रूल है क्या, कि अगर आपके पास कभी मान लो ऐसे लिखा हो एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, और यहां पर कोई लिमिट जो है ना वो मान लो कोई अल्जेब्रिक लिमिट लगी एफ एक्स से लेकर जी एक्स तक, ठीक है, ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया, ठीक है जी,
तो अब यहां पर इसके सीधे सीधे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इस पूरे फंक्शन के जो डेरिवेटिव होगा मतलब जो एफ डैश एक्स होगा इसकी वैल्यू को हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। होता क्या है, ठीक है, अपर लिमिट पुट करें पहले फंक्शन में इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, और इतना करने के बाद में आपको इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ना एफ डैश एक्स था, ठीक है, तो ये वाली पूरी वैल्यू इधर वाली जो हमने निकाली है ये आपको एफ डैश एक्स की मिल जाएगी। और आपने अभी एल हॉस्पिटल तो पढ़ ही रखा है, नीचे का वन हो जाएगा और सीधे सीधे लिमिट अप्लाई कर देंगे, ऊपर एफ डैश एक्स है मतलब उसके डेरिवेटिव, नीचे के भी डेरिवेटिव निकालो और लिमिट अप्लाई कर दो। ट्राई करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं आता तो हम इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वाले वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक है, चलो राइट। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट ओवर वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, रूट के अंदर वन माइनस कॉस, सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले वन रिमूव करेंगे, ठीक है, ऊपर से रूट टू और नीचे का टू, तो सीधे सीधे वन बाय रूट टू तो बाहर आ गया, ठीक है, ये वन बाय रूट टू हो गया, ठीक है, और अंदर से ये रूट हट जाएगा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाय ऊपर एक्स बचेगा नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने साइन एक्स साइन थीटा अपॉन थीटा बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप अगर कोशिश करें तो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, पीछे एक दो क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा मैंने एक शायद सेकंड और थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन कोई था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है, चलिए इसको ट्राई करेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं 21। अच्छा ये जो इसकी पीडीएफ है, ठीक है, तो ये 21 नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 22 नंबर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपको करने हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका जो हम बनाएंगे उसमें हम इनके सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है, ये रहा आपका 22 नंबर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देन आते हैं 23 में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24th, बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सीरीज ओपन करके या हॉस्पिटल लगा के कर सकते हैं हम। 25, ओ 25 का तो मैंने सोल्यूशन ही करा दिया है, वैसे सिंपल सा है, कर सकते हैं आप, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे बेटा आपके, ठीक है, जो कि आपके बेसिकली बात करें तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं थे क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके एयरफोर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है, तो इनको आप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा आपके एनडीए बेस्ड क्वेश्चन पे, कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, उनको हम प्रॉपरली यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।